राजधानी पटना के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा कर्मचारी यूनियन की गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस की गई, जहां 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य पर हुए कॉन्फ्रेंस में बिहार और झारखंड के बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारी और अधिकारी पहुंचे। वहीं कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर्मचारियों की सुविधाओं और बैंक ऑफ बड़ौदा में स्टाफों की नियुक्ति के लिए संगठन ने बैंक को लिखा है, जल्द ही इसका निराकरण होगा। बिहार का जो हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन या ऑल इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा एम्प्लॉइज कोऑर्डिनेशन कमेटी का यूनिट है, उसका कॉन्फ्रेंस हो रहा है। उसको 50 साल हो गए, इसको देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में पूरे बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से बहुत हमारे डेलीगेट्स आए हुए हैं। पूरे इंडिया की लीडरशिप भी आज यहाँ है, मैनेजमेंट भी यहाँ है, और बैंक के प्रगति के लिए, बैंक के इश्यूज के लिए, एम्प्लॉइज के इश्यूज के लिए आज यहाँ डेलीवरेशन होगा, और फिर बिहार स्टेट की एक नई जो कार्यकारिणी होगी उसका चुनाव भी किया जाएगा। और कोई समस्या बात की थोड़ी है सर, पेंशन को लेकर? पेंशन को लेकर ऑल इंडिया लेवल पे इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ हमारी बातचीत हो रही है। अभी एक समाधान पे हम पहुंचे हैं कि जब तक पेंशन अपडेशन का सेटलमेंट साइन ना हो, तब तक जो रिटायर्ड लोग हैं उनको कुछ एडहॉक रकम दी जाए, और एडहॉक रकम के लिए बहुत जल्दी हम वो सेटलमेंट साइन करने वाले हैं। जहां तक बैंक ऑफ बड़ौदा का सवाल है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो सबसे बड़ा इश्यू है रिक्रूटमेंट का, उसके लिए भी बैंक कर्मचारियों ने आंदोलन किए थे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में 1000 क्लर्क की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, लेकिन वो भी कम है, और बैंक ऑफ बड़ौदा में सब स्टाफ यानी कि प्यून की रिक्रूटमेंट बहुत कम हो गई है। जितनी शाखाएं हैं इतने भी प्यून बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं है। तो हमारे संगठन की डिमांड रहेगी कि सब स्टाफ की रिक्रूटमेंट की जाए, क्लर्क की रिक्रूटमेंट की जाए, न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, न सिर्फ सुविधा के लिए, लेकिन यदि क्लर्क ज्यादा होंगे तो ग्राहकों को अच्छी सेवा मिलेगी, क्योंकि ग्राहक को सबसे पहला अप्रोच क्लर्क का या कैशियर का करने का होता है। यदि काउंटर पे वो लोग भी नहीं होंगे तो ग्राहक सेवा का पे बड़ा असर पड़ेगा। सो ग्राहक सेवा अच्छी होने के लिए भी हम डिमांड कर रहे हैं कि बैंकों में रिक्रूटमेंट। और हमारा ये चुनाव होगा, इसमें ये हम लोग त्रिवर्षीय होता है, त्रिवर्षीय, और इसमें क्या होता है कि हम लोग चुनते हैं और बहुत सारे मुद्दे पे बात होती है, पेंशन अपडेशन हो गया, किसी का कोई समस्या हो गया, या किसी तरह का भी कोई आपका बैंकिंग में क्या दिक्कत है, क्या है, नई ब्रांचेज खोलने का भी इसमें बात होता है। कहीं मान लीजिए कि रूरल ब्रांचेज नहीं है, रूरल ब्रांचेज का सरकार का भी वो है, तो हम लोग उसमें भी मैनेजमेंट से बात करते हैं, इसमें लेके यही सब करके हम लोग करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो काफी कम है ATM। ये हम लोग का डिमांड है, और हम लोग का ये डिमांड आप देखते होंगे, हमेशा हम लोग हड़ताल भी करते हैं इसको लेकर कि ग्रामीण, क्योंकि मेन तो हमारा आधार ग्रामीण है, और अगर ग्रामीण हम लोग का मजबूत नहीं होगा तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो हम लोग का इस बार डोर है, और सर हम लोगों को आश्वासन भी हम लोग को मिला है कि ग्रामीण में इस बार ब्रांचेज खुलेगा।